आज अमरीका उत्तराखंड की बड़ी खबरें, भारत बंद पे असर, कल फिर बातचीत। संयुक्त किसान मोर्चा का भारत बंद शुक्रवार को बेअसर रहा। पंजाब और हरियाणा को छोड़कर देश भर में स्थिति सामान्य रही। उधर प्रदर्शनकारी किसानों ने शुक्रवार को भी शंभू सीमा पार कर हरियाणा में घुसने की कोशिश की। इस दौरान उनकी हरियाणा पुलिस से झड़प हुई। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। इसके विरोध में प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया। हरिद्वार में पुलिस वालों ने की माँ बेटे की हत्या, तो पुलिस के एक एएसआई ने 20 लाख रुपयों के लिए दृष्टिहीन महिला और उसके नाबालिग बेटे की हत्या कर दी। दोनों की चलती कार में गला दबाकर हत्या कर दी गई। उसमें उसका साथ दो और लोगों ने दिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हरिद्वार के एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने शुक्रवार को बताया कि 9 फरवरी को झबरेड़ा के अकबरपुर झोजा मार्ग पर नाले में एक किशोर का शव मिला था। उसके गले पर निशान थे। पुलिस ने किशोर की हत्या कर शव फेंकने के संदेह में जांच शुरू की थी। मृतक की शिनाख्त नरेंद्र उर्फ राजा मूल निवासी कांठ जिला मुरादाबाद के तौर पर हुई। जांच में पता चला कि राजा की दृष्टिहीन मां ममता ने कुछ समय पूर्व कांठ का एक पुश्तैनी मकान बेचकर हरिद्वार में दूसरा मकान खरीदा था। हाल ही में कुछ लोगों ने झांसा देकर ममता का यह मकान भी 20 लाख रुपए में बिकवा दिया। मकान बेचकर मिली रकम को हड़पने के लिए मां बेटे की हत्या की साजिश रची गई थी। पुलिस की जाँच में पता चला कि 8 फरवरी को ममता और राजा अपने परिचित सजाद व एक पुलिसकर्मी के साथ कहीं गए थे। एसपी ने बताया कि मामले में पुलिस लाइन में तैनात सशस्त्र सीमा पुलिस में सहायक उप निरीक्षक छुन्ना सिंह की संलिप्तता सामने आई। इस पर छुन्ना सिंह मूल निवासी हनुमान नगर गली नंबर 2 थाना एतमाद दोला आगरा में रहता है। इस पर पुलिस ने छुन्ना सिंह को हिरासत में ले लिया। प्रियंका अस्पताल में भर्ती न्याय यात्रा में नहीं पहुंची। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा अस्वस्थ होने के कारण शुक्रवार को भारत छोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं हो सकी। हल्द्वानी हिंसा मामले में मलिक की कुर्गी शुरू। तो हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड बताए जा रहे अब्दुल मलिक के खिलाफ संपत्ति कुर्गी का आदेश मिलने पर शासन ने शुक्रवार को कार्रवाई शुरू कर दी। उत्तराखंड के स्कूलों के लिए 12,000 करोड़। तो केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में समग्र शिक्षा अभियान व पीएम श्री स्कूलों के लिए 11,099.55 करोड़ रुपए का सालाना प्लान मंजूर कर दिया। इस पैसे से प्रदेश के स्कूलों में नए हॉस्टल, नए स्कूल और विज्ञान प्रयोगशालाएं बनेंगी। वहीं 100 से ज़्यादा प्राइमरी स्कूलों के लिए नई इमारतें भी बनाई जाएंगी। प्रदेश में फिर बारिश और बर्फबारी के साथ उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर बदलने की संभावना है। मौसम विभाग ने 18 फरवरी की शाम से 7 जिलों में बारिश के आसार जताए हैं। 19-20 फरवरी को पूरे राज्य में बारिश, जबकि हरसिलोली समेत 2800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी भी हो सकती है। इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक शनिवार को मौसम शुष्क रहेगा। रविवार को उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ के कुछ इलाकों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। कोऑपरेटिव चुनाव 4 माह के भीतर कराए जाएं। तो हाईकोर्ट ने कोऑपरेटिव के चुनाव टर्म समाप्त होने के बावजूद अभी तक नहीं कराए जाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने चुनाव 4 महीने के भीतर संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। हल्द्वानी में एसपी सिटी का तबादला हुआ। विश्व में 1.4 अरब बच्चे बीमार और कुपोषित हैं। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड घोटाले व एक ही परिवार के हित का। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह कांग्रेस का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड इतिहास के सबसे बड़े घोटाले से भरा है। यह पार्टी एक परिवार के हित को देशवासियों के हित के ऊपर रखती रही है। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस ने आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने के साथ साथ सेना व सैनिक दोनों को कमज़ोर किया है, क्योंकि ये बातें याद रखनी जरूरी है। आज भी कांग्रेस की टीम वही है, नेता वही है, नियत वही है और इन सब की निष्ठा एक ही परिवार के लिए है। पीएम जीएसवाई प्रदेश भर में 108 सड़कों को मिली मंजूरी। स्वास्थ्य विभाग गर्भवतियों के लिए 250 डंडी कंडी खरीदेंगे। तो प्रदेश में सड़क सुविधा से वंचित दुर्गम गांव की गर्भवती महिलाओं को सड़क तक पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग 250 डंडी कंडी खरीदेगा।
घर में युवती का शव मिला, भूख से मौत की आशंका। तो कोटद्वार से खबर है, नगर क्षेत्र के रतनपुर सुखरो में एक बंद घर में युवती का शव बरामद हुआ है। वह घर पर अकेली रहती है, जबकि उसका भाई अनूप कुमार सेना में है। बृहस्पतिवार शाम को अनूप छुट्टी लेकर घर पहुंचा तो घर का दरवाज़ा नहीं खुला। दरवाज़ा तोड़ने पर युवती का शव पड़ा हुआ था। आशंका है कि भूख से मौत हुई है। समग्र शिक्षा और पीएम श्री के लिए उत्तराखंड को मिले 1200 करोड़। सिलक्यारा सुरंग कार्य ने पकड़ी गति। 108 सड़कों के लिए केंद्र ने मंजूर किए 967 करोड़। 15 मार्च तक जारी रहेगी पेटीएम पेमेंट्स बैंक की सभी सेवाएं। आक्रोश, मंत्री आवास घेरने जा रहे उपनल कर्मचारी भड़के, पुलिस से धक्का मुक्की। तो उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने अपनी कई मांगों को लेकर के शुक्रवार को परेड ग्राउंड से सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के हाथी बड़कला स्थित आवास कूच किया। पुलिस ने पहले से कई जगह बैरिकेडिंग की थी, बीच में बार बार रोके जाने से मोर्चा से जुड़े कर्मचारी में भारी आक्रोश उत्पन्न हो गया और संघर्ष की स्थिति नजर आई। पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई और एक कर्मचारी ने आत्मदाह की कोशिश की। अधिकारी काम में तेजी के लिए 6 के लिए माह में 6 दिन करें निरीक्षण। वित्त विहीन विद्यालयों को वेतन अनुदान की मांग की गई। काशीपुर क्लस्टर के लिए 14 करोड़ रुपए मंजूर हुए। मांगे पूरी न होने पर पेयजल कर्मियों की 24 से हड़ताल होगी। बर्खास्त कर्मचारियों का आवास खाली करने का आखिरी नोटिस दिया गया। भूमि अधिग्रहण की धीमी प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाया। 23 सड़कों का निर्माण कार्य, केंद्र ने PMGSY में 108 सड़कों को दी मंजूरी। प्रसूता की मौत के मामले में होगी मजिस्ट्रेट जाँच। 1198 करोड़ से स्कूल, हॉस्टल और लैब बनेंगे। तो समग्र शिक्षा योजना और पीएम श्री योजना के तहत प्रदेश के स्कूलों का कायाकल्प होगा, तो नए स्कूल व हॉस्टल भी खुलेंगे। पार्टी दृष्टिपत्र में किए वादों का होगा अमल। कोरी रेंज के अधिकारी ने अदालत में दर्ज कराया बयान। तो अंकिता हत्याकांड में शुक्रवार को राजाजी नेशनल पार्क के गोरी रेंज के रेंज अधिकारी मदन सिंह रावत ने बयान दर्ज किए। सिंह ने अदालत को बताया कि पशुलोक बैराज स्थित वन विभाग का चेक बैरियर उनकी रेंज में पड़ता है, जिससे CCTV का DVR उन्होंने SIT के जाँच अधिकारी को सौंपी थी। अब अगली सुनवाई 1 मार्च को होगी। मानदेय के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन, तो बड़ी संख्या में एकजुट हुई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन, तालाबंदी की चेतावनी दी। वही खबर है, गोपेश्वर से भोजन माताओं ने भी निकाला जुलूस। प्रयागराज से पहले गंगनानी में होगा गंगा यमुना का संगम। 40 किलो घी से शिवलिंग को ढका, 56 भोग लगाए। तो कमलेश्वर महादेव मंदिर में हुआ घृत कमल अनुष्ठान। अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा में सफल होने पर प्रियंका सम्मानित की गई। आत्मनिर्भर बनने के लिए नशे से दूर रहें। असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए साक्षात्कार 6 मार्च से। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए साक्षात्कार की तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं। 6 मार्च से साक्षात्कार शुरू किए जाएंगे, जो 19 मार्च तक चलेंगे। गणितीय सांख्यिकी की परीक्षा आज श्रद्धे सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय की ओर से MA तृतीय सेमेस्टर के छात्रों की गणितीय सांख्यिकी की परीक्षा शनिवार को कराई जाएगी। विभाग बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में जुटा। तो 27 फरवरी से शुरू होने वाली उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए शिक्षा विभाग ने पूरी तैयारियाँ कर ली हैं। छात्राओं ने की भर्ती करने की मांग। तो MKB PG कॉलेज में छात्राओं ने महाविद्यालय में शिक्षकों और कर्मचारियों के रिक्त पदों पर जल्द भर्ती करने की मांग की है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए साक्षात्कार 6 मार्च से शुरू होगा। LT भर्ती की सूची जारी। तो आयोग ने सहायक अध्यापक के बचे हुए और मंडल कार्यालय से रिक्त मिले रिक्त पदों के सापेक्ष 1.5 गुना अनुपात में 59 अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन के लिए मेरिट लिस्ट जारी की है। इसके लिए 21, 22 और 23 फरवरी को अभिलेख सत्यापन होगा। इसके लिए संबंधित अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि पर अपने सभी दस्तावेज के साथ आयोग कार्यालय पहुंचना होगा। नई भर्ती के लिए आवेदन करने वालों को आयोग ने टोल फ्री नंबर 9
20991712 व्हाट्सएप नंबर और ईमेल नंबर जारी किए हैं। समूह ग के 370 पदों पर एक और भर्ती निकली। समूह ग के अंतर्गत उत्तराखंड सेवा चयन आयोग ने प्रशिक्षण एवं सेवा योजना निदेशक के अनुदेशक संवर्ग में 370 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। 25 फरवरी से 16 मार्च के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आयोग के सचिव सुरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि भर्ती का विज्ञापन जारी किया जा चुका है। आवेदन में 20 से 22 मार्च के बीच संशोधन कर सकते हैं। जून में परीक्षा प्रस्तावित है। बताया परीक्षा के लिए आयु सीमा 21 से 42 वर्ष के बीच है। इस भर्ती से अनुदेशक विद्युत कार के 75, अनुदेशक फीटर के 70, अनुदेशक इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल के 40, वेल्डर के 28, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 24, कला गणित के 18, ड्राफ्टमैन सिविल के 13, फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी के 13, मशीनिस्ट के 13, स्विंग टेक्नोलॉजी के 13, मैकेनिकल मोटर व्हीकल के 10, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस के 8, कॉस्मेटोलॉजी के 8, स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटेरियल असिस्टेंट के 6, टनर के 6, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर टेक्नोलॉजी के 5, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के 4, प्लम्बर के 3, कंप्यूटर ऑपरेटर ऑपरेशन के 2, मैकेनिकल ऑटो बॉडी पेंटिंग के 2, मैकेनिकल ऑटो बॉडी रिपेयर के 2, मैकेनिकल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एम्प्लॉयसेस के 2, पेंटर जनरल के 2, कारपेंटर का 1, ड्रेस मैकेनिक व सर्वेयर के 1 पद पर भर्ती होगी। बेरोजगारों ने उठाई विज्ञापन जारी करने की मांग। तो बीएड प्रशिक्षित युवाओं ने गुरुवार को आयोग अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया से मिलकर एलटी भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग उठाई। बात करते हैं जॉब पलट को लेकर के, तो उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग में 1002 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 3 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। अधीनस्थ निवानी न्यायालय में 139 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 22 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण में 100 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 2 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग में 347 पदों पर भर्ती निकली है, इसमें वरिष्ठ अध्यापक के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 6 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के पदों पर 69 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 24 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं एम्स में 20 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 3 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। चमोली के 106 व रुद्रप्रयाग के 67 केंद्रों पर होगी परीक्षा। 27 होने वाली उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा की विभाग ने तैयारियां पूरी की हैं। भाषण में संयम प्रगति व क्विज में नेहा अव्वल रही। नई शिक्षा नीति विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण है। 1.25 लाख महिलाओं को बनाएंगे लखपति दीदी। उपनल कर्मियों का कार्य बहिष्कार 5वें दिन भी जारी रहा। घर में युवती का शव मिला, भूख से मौत की आशंका। तो कोटद्वार से खबर है, मौसम में आया बदलाव तो घटने लगी नारंगी की पैदावार। प्रशासन ने नहीं ली सूद तो ग्रामीणों ने खुद खोद दी 6 माह में से बंद सड़क। तो नंदनगर चमोली से खबर आई है, कनोल छुरागाड़ सड़क का जगह जगह आया मलबा, भी पीएम जेएसवाई ने नहीं किया साफ। 20 लाख खर्च करने के बाद भी सड़क बदहाल है। उपचार के अभाव में प्रसूता की मौत की होगी मजिस्ट्रेट जांच। तो पौड़ी से खबर आई है, सरकार के खिलाफ विभिन्न संगठन मुखर हुए। किसानों के आंदोलन के समर्थन में किया प्रदर्शन। मानदेय बढ़ोतरी को जिला मुख्यालयों में गर्जी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। 24 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की संयुक्त मोर्चा ने दी चेतावनी। दून में आज से करवट बदल सकता है मौसम। तो उत्तराखंड में शुष्क मौसम के बीच अटक धूप खिल रही है, जिससे अधिकतम तापमान में तेजी से इजाफा हो रहा है। शुक्रवार दून समेत ज्यादातर मैदानी क्षेत्रों में इस वर्ष अब तक सबसे कम ठंडा दिन रहा, हालांकि न्यूनतम तापमान सामान्य बना हुआ है। परिवहन विभाग व विक्रम संचालकों में तनातनी। तो घंटाघर व परेड ग्राउंड की परिधि में बिना जीपीएस यात्री वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध का मामला। पुलिस की मॉक ड्रिल पर जिलाधिकारी ने बिठाई जांच। व्यवस्था बनाने को आईटीआई से बुलाए गए 24 डाटा एंट्री ऑपरेटर। 370 पदों पर सीधी भर्ती, आयोग ने मांगे आवेदन। एमकेपी में शिक्षकों की कमी, मंत्री को बताई समस्या। मुख्य साजिशकर्ता मलिक की संपत्ति कुर्ग, फरार उपद्रवियों की पोस्टर जारी की गई।
नर्सिंग व पैरा मेडिकल कॉलेजों को मान्यता मिलने में नहीं होगी कठिनाई। 22 फरवरी से शुरू होगी हल्द्वानी पिथौरागढ़ चंपावत हेलीकॉप्टर सेवा। उत्तराखंड पात्रता परीक्षा का परीक्षा फल घोषित हुआ। श्रीनगर से पैठाणी के लिए चलेगी बस। उत्तरकाशी में काजल की लकड़ी के साथ चार आरोपी गिरफ्तार हुए, तो पुरोला पुलिस और एसओजी की टीम ने किया आरोपियों को लकड़ी समेत गिरफ्तार। पुलकित के प्रार्थना पत्र पर अब 26 को होगी सुनवाई। और रुद्रप्रयाग से खबर है, बस पलटी, सभी यात्री सुरक्षित हैं। खाई में गिरने से शिक्षक की मौत, तो जखणी धार ब्लॉक के लामनीधार में शिक्षक का शव सड़क किनारे 20 फीट गहरी खाई में मिलने के मामले में पुलिस का कहना है कि जांच में प्राथमिक तथ्यों में पाया गया कि शिक्षक की खाई में गिरने से मौत हुई है। श्रीनगर में फिर स्कूटी सवार पर हमला, तो नगर क्षेत्र में गुलदार का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते गुरुवार को उफल्टा के समीप एक स्कूटी सवार व्यक्ति पर बाघ हमला करने दौड़ पड़ा, लेकिन किसी तरह से स्कूटी सवार व्यक्ति ने अपनी जान बचाई। रुद्रप्रयाग में परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 लागू रहेगी। चरस तस्करी में दोषी को 12 साल की सजा हुई। पीएम मोदी करेंगे श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर का लोकार्पण। थलीसेन के दूध और घी को मिलेगी पहचान। आक्रोश, श्रमिक विरोधी कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया। स्वच्छता कर्मियों की ठेका प्रथा के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस के खातों पर रोक लगाने पर भड़के कार्यकर्ता। विकास नगर में रहा बसों का चक्का जाम। दून अस्पताल में एक दिन राहत के बाद आज फिर से बहिष्कार। जंगल की लकड़ी को लेकर के दो महकमों के बीच तकरार हुआ। चेकिंग वाहनों में नहीं मिले जीपीएस, 90 को नोटिस भेजा गया। सरकारी जमीन कब्जाने के आरोपी पर मुकदमा दर्ज किया गया। रोजगार मेले में 45 को मिली नौकरी, तो क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय में आयोजित रोजगार मेले में कुल 437 युवक युवतियां पहुंची, जिसमें 45 युवाओं को रोजगार के लिए चयन किया गया। बनभूलपुरा के बच्चों की गृह परीक्षाएं अलग से होंगी, तो कर्फ्यू ग्रस्त बनभूलपुरा क्षेत्र के संचालित होने वाले सभी सरकारी स्कूलों की गृह परीक्षाएं अलग से कराई जाएंगी। हिंदी विषय से शुरू हुई गृह परीक्षाएँ जीआईसी गुनिया लेख में छत से गिरा छात्र घायल हो गया। मानसिक दिव्यांग बच्चों के पुनर्वास का ब्यौरा दें। नहर में पानी से घर के काम निपटा रहे हैं लोग, तो हल्द्वानी से खबर रही है। अधिकारी रेंज करेंगे जेजेएम की मॉनिटरिंग। पुलिसकर्मी साथियों संग जेल, पत्नी फरार हुई। तो बनभूलपुरा हिंसा की आड़ में बिहार निवासी प्रकाश कुमार सिंह की हत्या करने के आरोपी निलंबित पुलिस कांस्टेबल और उसके तीन साथियों को पुलिस ने शुक्रवार को जेल भेज दिया। पर्यटक की कार का शीशा तोड़कर कीमती सामान चोरी हुआ। ऑनलाइन ऑर्डर से मंगाई वॉशिंग मशीन पहुंचा कबाड़। तो एक पीआरडी जवान की पत्नी ने ऑनलाइन वॉशिंग मशीन ऑर्डर की, जब ऑर्डर घर पहुंचा तो डिब्बे से पुरानी खराब मशीन निकली। सलगारा सुरंग में मॉक ड्रिल से परखी सुरक्षा। रोडवेज बस पलटी, सभी यात्री सुरक्षित हैं। मुक्तेश्वर के टैक्सी चालक को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। तो एक टैक्सी चालक को शुक्रवार देर शाम कुछ दबंगों ने बेरहमी से बीच चौराहे पर पीट दिया। रेहड़ी वालों ने कहा गलत चालान काटे, तो उड़की से खबर है। निगम की टीम ने रेहड़ी ठेली वालों से 500 रुपये तक के चालान काटे। गली मोहल्ले में कूड़ा उठाने के लिए गाड़ियों का समय होगा तय। लोहाघाट में नवोदय स्कूल में 27 छात्राओं की तबीयत बिगड़ी। श्रम कार्ड न बनने से श्रमिकों में गुस्सा। आशाओं ने किया वेतन नहीं तो वोट नहीं का ऐलान। भोजन माताओं ने मानदेय के लिए खोला मोर्चा। मांगों को बीएसएनएल कर्मी मुखर हुए। उपनगर कर्मी के आत्मदाह के प्रयास से मचा हड़कंप। ब्लॉक स्तर पर जल्द खोले जाएंगे ओपन जिम। 84 नए स्कूल भवन, 82 प्रयोगशालाएं बनेंगी। तो नए शैक्षणिक सत्र में राज्य के 84 जीर्ण शीर्ण प्राइमरी स्कूलों को नए भवन मिलने जा रहे हैं। साथ ही विज्ञान विषयों की पढ़ाई कर रहे छात्र भी प्रयोगशाला में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को ज़्यादा करीबी से समझ पाएंगे। उत्तराखंड में 9 हॉस्टल और स्कूल बनाए जाएंगे।
चरस तस्करी या के दोषी को 12 साल की सजा हुई। तो विकास नगर से खबर है, ग्राम महोत्सव में नृत्य बच्चों ने खूब जमाया रंग। पीजी कॉलेज डाकपत्थर में बढ़ेगी कई सुविधाएं। महिलाओं को दिया रोजगार का प्रशिक्षण। पीजी कॉलेज डाकपत्थर के छात्रों का अनशन शुरू हुआ। दुर्गा मॉडर्न स्कूल में तुवारिया मिस और रोनित मिस्टर रेगुलर। घर में घुसकर पड़ोसी ने महिला से की छेड़छाड़। तो रुड़की से खबर है, मंगलोर में युवक पर धारदार हथियार से कातिलाना हमला किया गया। मुख्य शूटर से 4 घंटे तक पूछताछ की गई। दो पक्षों में मारपीट में युवती समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तो मंगलोर से खबर है, 84 नए स्कूल भवन, 82 लेबोरेटरी और 117 नए क्लास रूम बनेंगे। हल्द्वानी में मलिक की संपत्ति 8 घंटे में कुर्क हुई। तो रसोई में रखे कप प्लेट से लेकर गद्दे और पर्दे सहित अन्य सामान भी कुर्क की गई। कई ट्रकों में ले गए आधी रात तक घर खंगाल लौटी टीम। हालात सुधरने के साथ ही रोजगार को लौट रहे लोग। गोदाम में पहुंचा राशन, आगे कैसे जाए। बीएसएनएल कर्मचारियों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। 5 मिनट पहले बदला टेंडर खोलने का समय। खाली कराई जमीन से मलबा हटाया, एडीजी ने थाने का प्रस्ताव मांगा। मलिक सहित फरार 9 आरोपी वांटेड घोषित हुए। हिंसा में 2 और आरोपी गिरफ्तार, 5 आरोपी भेजे जेल। बनबुलपुरा में 100 मीटर परिधि में सिमटा कर्फ्यू। जंगली सुअर ने आंगन में बैठी बुजुर्ग महिला पर किया हमला। तो बागेश्वर से खबर है, आंगन और गौशाला में पहुंचने लगे जंगली सुअर। चार घास के लूटों में लगी आग। पाइनवुड स्कूल में धूमधाम से मनाया वार्षिकोत्सव। विकास नगर में बस चालकों की हड़ताल से मुसाफिर रहे परेशान। मतदाताओं से संपर्क कर कांग्रेस को और मजबूत करें। गढ़वाल विश्वविद्यालय के कॉलेजों में CUT से ही UG में दाखिले। तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय एवं उससे जुड़े कॉलेजों में इस बार UG कक्षाओं में दाखिले CUT से ही होंगे। इसके लिए 19 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 11 पदों पर 51 अधिवक्ताओं ने ठोकी दावेदारी। BSNL कर्मचारियों ने की हड़ताल। सुक्ति गरुड़ नदी पर जताई चिंता, जागरूकता आह्वान किया। आंदोलन पर चढ़ा सियासी रंग, आश्वासन पर अनशन खत्म किया। तो रानीखेत से खबर रही है, GIC चौमुधार में प्रधानाचार्य व शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति और बदहाल। काकड़ी घाट शीतला खेत रोड में उद्धार को ग्रामीणों की भूख हड़ताल का हकलान। प्रशासन व विभागीय टीम मटीला पहुंची। फर्जी SMS भेज ठग ने पार किए 49,000 रुपये। अल्मोड़ा कटपुड़िया NH तक पहुंची आग। रानीखेत में उतारे गैस सिलेंडर। नियुक्ति के बाद भी कॉलेज को नहीं मिली फैकल्टी। जिला अस्पताल स्वच्छता के लिए खरीद सकेगा स्क्रम मशीन। सूख गए पाइप, हलक तर करना पड़ रहा भारी। पौड़ी रोड के ऊपर और नीचे बनाए मिट्टी के पैच। 15 साल में भी नहीं बना नवोदय विद्यालय का भवन। बद्रीनाथ हाईवे पर पलटी बस, 20 घायल। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर रुद्रप्रयाग के निकट उत्तराखंड परिवहन निगम की एक बस अनियंत्रित होकर के हाईवे पर पलट गई। घटना में 20 से अधिक यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं। BSNL के उपभोक्ता को मिली 4G की सुविधा। CM पोर्टल पर शिकायत के बाद मिला 20,000 आबादी को पानी। तो हैदराबाद से खबर है, एकता मॉल के लिए 136 करोड़ स्वीकृत, जल्द शुरू होगा निर्माण। प्रदर्शनी में दिखी उद्योगों की नई टेक्नोलॉजी। घरातियों ने बरातियों को दौड़ाकर पीटा। तो लक्षा से खबर है, रिबन सेरेमनी के दौरान दुल्हन के रिश्तेदारों से हुआ था विवाद। वाहन चोरी बलवे के मामले में न बरतें लापरवाही। हेड कांस्टेबल ने कबूला गुनाह, बोला मैंने 20 लाख के लिए की माँ और बेटे की हत्या। युवक पर धारदार हथियार से हमला, तमंचे में फायर झोंका, मुकदमा दर्ज किया गया। बिजली बिलों पर सरचार्ज माफ किया जाए। मलिक के बगीचे में अवैध रूप से बना धर्मस्थल पूरी तरह से ध्वस्त हुआ। अब केवल नाइट कर्फ्यू रहेगा, पुलिस सभी की मौत की करेगी गहन जांच। मिस्त्री मिल रहे न मजदूर, कर्फ्यू ने किया मजबूर। पुलिस बनबुलपुरा में और शहर में घुस रहे हैं चोर।
पिथौरागढ़ मुंशियारी चंपावत के लिए 22 से होगी हेली सेवा शुरू। पढ़ाई करें या पानी भरें, कोई तो हमारी भी सुने। बीमार हो गए नवोदय के 27 विद्यार्थी, तो लोहाघाट अस्पताल में पहुंची डॉक्टर की टीम ने किया इलाज, अब हालत में सुधार है। देवीधुरा स्वास्थ्य केंद्र में अब खून की सभी प्रकार की जांचें होंगी। बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों के वेतन रोकने के निर्देश, तो पिथौरागढ़ से खबर है, डीएम ने खनिज फाउंडेशन न्याय निधि के कार्यों की समीक्षा की। परीक्षा को उत्सव के रूप में लेने का आह्वान किया। सृजन जोशी का हुआ नए तहसीलदार के पद पर चयन। भरतोज खान के 12 गांवों में एक माह से नहीं आ रहा पानी। धोला देवी भेषेछाना में 110 से अधिक गांव में 17 घंटे बिजली गुल रही। जागेश्वर धाम मंदिर में पूजा शुल्क में बढ़ोतरी की मांग की गई। परीक्षा शुल्क वापसी के लिए विद्यार्थी को 4 मार्च तक करना होगा आवेदन। गदरे में मिला एक महीने से लापता युवक का शव, तो परिजनों ने कपड़ों और जूतों से की पहचान, तो धौलछीना से खबर रही है, तेंदुए के हमले से युवक घायल हो गया। बीएसएनएल श्रमिकों ने किया अल्मोड़ा में प्रदर्शन। गांव में नहीं बसती मोबाइल की घंटी। ग्रामीण भारत बंद का रहा मिला जुला असर, आज टोल प्लाजा का घेराव, टोल कराएंगे फ्री। करोड़ों की ठगी कर फाइनेंस कंपनी का संचालक फरार हुआ, 2 मामले में नाबालिग संग दुष्कर्म का आरोप। कुत्ते को खुले में बिना मास्क घुमाए तो लगेगा जुर्माना। आग से निपटने को वन महकमे ने कसी कमर। आंगनवाड़ी आशा भोजन माताओं ने भरी हुंकार। 11 पदों पर 51 अधिवक्ताओं ने कराया नामांकन। कुलपति ने लगाई शिक्षकों की क्लास। राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड के लिए मौका, तो बोली मुख्य सचिव, प्रस्तावित 38वें राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड को ग्रीन स्पोर्ट्स टूरिज्म के रूप में स्थापित किया जा रहा है। कनाडा और यूके का वीजा दिलाने के नाम पर 3.77 लाख रुपए ठगे गए। पुलिस लाइन में पदरियों से सख्ती से निपटी पुलिस, छोड़ी गई आंसू गैस। क्रूज की सैर के लिए 2 माह और इंतजार करना होगा, तो नई टिहरी से खबर रही है। हाईवे पर पलटी 30 यात्रियों से भरी बस, युवक का